हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल लर्न स्टिचिंग में स्वागत है। आज हम बाजू का डिजाइन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने बाजू का सेप काट लिया है। बाजू की लंबाई 5 इंच है और चौड़ाई 8.5 इंच है। अब हम बॉटम से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। बॉटम से 3.5 इंच पर निशान लगाया है और बॉटम पर ही 2 इंच का निशान लगाया है। ये दोनों निशानों को हम आपस में गोलाई देते हुए मिलाएंगे। देखिए, हमने गोलाई देते हुए राउंड शेप में मिला लिया है और अब इसकी कटिंग कर देंगे। और अब हम इस पर पाइपिंग लगाएंगे। इसके लिए हमने गोल्डन कपड़ा काटा है। और फ्रेंड, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिए। तो आप देखिए, हम पाइपिंग लगा रहे हैं। तो अब हम इसे मोड़ कर पहले पाइपिंग तैयार करेंगे। बीच में थोड़ा सा कट लगाते हुए हम पाइपिंग को ठीक करेंगे। तो देखिए, हमारी पाइपिंग अब कंप्लीट हो गई है। तो अब हम बीच के हिस्से का नापी लेंगे। यहाँ पर ये हमारा बीच का हिस्सा 4 इंच है, नीचे गोलाई में 6 इंच भी हो जा रहा है। तो अब हम यहाँ पर कपड़े पर भी उसी हिसाब से नापी लेंगे। कपड़े पर भी हम 6 इंच चौड़ा रखे हैं और लंबाई में 8 इंच है। तब हम इसे बीच से चुन देते हुए सिलाई करेंगे। देखिए, हम बीच से थोड़ा थोड़ा एक एक चुन देते हुए सिलाई करेंगे इसकी। इसकी साइड में भी हम चुन का सिलाई कर देंगे। ठीक से चुन रखते हुए हम सिलाई करेंगे यहाँ पर भी। और इधर साइड भी हम चुन की को ठीक करते हुए सिलाई कर लेंगे। तो हम देखिए, सिलाई कर लिया है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर आगे में राउंड शेप देंगे। गोलाई देते हुए हम राउंड शेप देंगे। ये जो हमने चौक से निशान लगाया है, इसी चौक पर हम पाइपिंग लगा देंगे। इसी चौक के ऊपर रखते हुए हम पाइपिंग लगाएंगे। और ये बचे हुए कपड़े को हम काट लेंगे, इस पर पाइपिंग बना देंगे। तो देखिए, हमारी पाइपिंग अब कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे बाजू पर रखते हुए फिक्स अटैच करेंगे। पहले ठीक से फिक्स कर लेंगे, फिर इसकी सिलाई करेंगे। पहले दोनों किनारों को अच्छी तरह से मिलाते हुए हम करेंगे। अब हम सिलाई कर देंगे। तो देखिए, हमने
बचे हुए कपड़े को दोनों तरफ से काट लिया है और इसी के साथ हमारी बाजू का ये अटैच भी हो गया है। अब जो यहाँ पर हम सिलाई बीच में लगाए हैं उस सिलाई को के धागे को हम निकाल देंगे और हर चुन के ऊपर एक एक मोती लगाते जाएंगे।